Hello friends, this is Vijay Singh and you are again welcome your user friend Lester in chemistry. Today I will start a new topic of solution chapters is elevation in boiling point data part of the polyvalent property. So let's start today's lecture. तो जैसा कि हमने पहले बता रखा है ये जो टॉपिक है ये पॉलीवेलेंट प्रॉपर्टी का एक पार्ट है यानी सेकंड पार्ट है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको लेट लो प्रेशर के बारे में बताया था, तो आज हम देखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले की तरह जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके कंटेंट को देखते हैं कि आज इस कंटेंट में क्या क्या देखेंगे। तो सबसे पहले इस कंटेंट में भी देखेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं और इसके बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि जब तक हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो टॉपिक हमारा क्लियर नहीं हो सकता। इसलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पॉलीवेलेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। तो पॉलीवेलेंट प्रॉपर्टी एक ऐसा टर्म है जो इसमें हमें हमेशा डाउट ही होता है, यानी कि जब भी कोई पॉइंट एक्सेप्ट किसी का क्लियर नहीं होता, ठीक है, तो उसे हम आज क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट को हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को लेकर सभी के मन में एक डिफिनेशन होता है कि बॉइलिंग पॉइंट एक क्लियर डिफिनेशन नहीं होता। सबसे पहले देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जो नॉर्मल लोग ये कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एट अ टेंपरेचर होता है जिस पे कोई लिक्विड बॉइल करने लगता है, ये तो एक छोटे बच्चों वाले डिफिनेशन होते हैं जैसे कि कोई सेकेंड फोर्थ फिफ्थ क्लास के बच्चे कहते हैं, लेकिन आप ट्वेल्थ लेवल में तो आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है तो आपके एक्सैक्ट डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो हम इसे कहते हैं कि एट दैट टेंपरेचर जिस पे कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है वो पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज द टेंपरेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेयर प्रेशर। यानी कि जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट है, अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेयरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो इसी पॉइंट को कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये पहली बात तो आप बॉइलिंग पॉइंट के डेफिनेशन को क्लियर कर लीजिए। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या कंसीडर करते हैं, एज द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज लोअर देन दैट ऑफ अ प्योर सॉल्यूट। ओके, अगर इसके कहने का मतलब है अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, वह किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को कंटेन किया है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर सॉल्यूट से थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक, क्लियर। जैसे मान सपोज करते हैं कोई लिक्विड है ए, ठीक है, अब इस ए लिक्विड में हम थोड़ा सा कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम भी मिला देते हैं तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा इसके प्योर सॉल्वेंट से थोड़ा कम होगा, यानी कि इसी जो है वेपर प्रेशर होगा थोड़ा कम होगा। ओके, ये क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, लेकिन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग बात कर रहे थे तो बॉइलिंग पॉइंट इस सॉल्यूशन हायर होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। यहाँ दो बात करना चेक करनी है, अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिला देते हैं यानी मिक्स करते हैं तो वेपर प्रेशर उस नए वाले सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, ठीक, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा। ये दो पॉइंट करना चेक करना होता है। ठीक, जो नेक्स्ट पेज पे हम इसके एलिवेशन को देखेंगे और इनमें जो बॉइलिंग पॉइंट का चेंजेस होगी उसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे हम डेल्टा टी वी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो डेल होता है डेल चेंज को रिप्रेजेंट करता है एंड टी टेंपरेचर को बी फॉर बॉइलिंग पॉइंट, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी ही कंसीडर करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आपको इसे इरेज कर देते हैं ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकें। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो हमने जैसे पहले आपसे कहा कि ये जो चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक, अब इसको जो हमने स्टेटमेंट देखा ऑप्शन फिगर में क्लियर करेंगे। एक प्योर सॉल्वेंट है, जब प्योर सॉल्वेंट कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है उसका बॉइलिंग उसका वेपर प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे स्टार्ट करते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन जब प्योर सॉल्वेंट होता है जब कोई हम नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला देते हैं सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ओके, फॉर्म किया, ठीक, अब उससे जब सॉल्यूशन फॉर्म करता है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वेपर प्रेशर थोड़ा उससे कम हो जाएगा, देखिए थोड़ा कम हो गया, ठीक, कम हो गया, ठीक, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा उससे इस वाले ये प्योर वाला है, ये बॉइलिंग पॉइंट प्योर वाला है, ये जो आफ्टर बना रहा सॉल्यूशन ये उसका है आफ्टर, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पहले यहाँ था अब यहाँ से यहाँ आ गया,
तो ये जो चेंज होता है, ये चेंज होता है, इसे ही कहते हैं हम चेंज, यानी चेंज इन एलिवेशन। एलिवेशन का जो बेसिक मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना। जैसे कि हम, जैसे ये आपका घर है, सब कुछ है, घर है, ठीक है, आपके घर की एक विंडो है, ठीक है, यहाँ कोई एक मंदिर है, तो यहाँ मंदिर का जो एक पीक पॉइंट, अगर हम अपने घर के विंडो से इसे देखते हैं कि ये किस तरीके से देखते हैं, ठीक है, अगर एक एंगल बनाया, कि एंगल होता है एलिवेशन एंगल, ठीक, तो इसलिए ये वर्ड एलिवेशन का मतलब है इंक्रीज हो जाना, ठीक हो, ऐसे ही कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसके मोलैलिटी के इक्वल होता है, ठीक, यानी कि जो चेंज इन एलिवेशन पॉइंट होगा मोलैलिटी के इक्वल होगा। तो जैसे कि डेल टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो अगर इस तरीके से कर सकते हैं, अगर रिलेशनशिप जो इसका एलिवेशन पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलरिटी के। ओके, ठीक, जब हम एक कॉन्स्टेंट को रिमूव करते हैं, जब हम एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं तो कॉन्स्टेंट हम के वी पॉइंट कर देते हैं, तो ही आता है डेल टी वी इक्वल टू के वी इंटू एम, वेयर एम इज द मोलरिटी। ठीक है, इस के वी को हमें एक अलग नामों से भी जानते हैं, के वी इज मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट कहते हैं, जैसे जनरल टर्म होते हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, और ये ई बल स्क्यू और ई बल स्कोप भी कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक, अब ये जो अब इस हम एक अब नॉन मोलर का सॉल्यूट का हमें मोलर मास निकालना हुआ या उसका वेट निकालना हुआ, तो उसको हम फॉर्मूले से रिलेट कर लेते हैं, तो डेल्टा टी वी इक्वल टू के वी इंटू डब्ल्यू वी इंटू 1000 अपॉन एम वी इंटू डब्ल्यू ए। जो डब्ल्यू बी होता है, एक बार मैं फिर से रिकॉर्ड दिलाता हूँ, अगर हम कहीं भी पूरे सॉल्यूशन में अगर बी कंपोनेंट कहीं भी यूज हुआ है, ठीक है, तो बी का मतलब होता है ये सॉल्यूट के लिए यूज हुआ है, ठीक है, और अगर कहीं ए यूज हुआ है, ए का मतलब होता है सॉल्वेंट, ये आप पहले कंसीडर कर लीजिए, नहीं तो पूरे चैप्टर में आपको डाउट आ जाएगा। ठीक, जैसे कि मैंने आपसे कहा डब्ल्यू बी यूज हुआ, तो डब्ल्यू बी सॉल्यूट के लिए यूज होगा और डब्ल्यू ए सॉल्वेंट के लिए, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला रिलेट करते हैं डेल टी वी इक्वल टू के वी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ओके, जब हम इस फॉर्मूले से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर डब्ल्यू बी फाइंड कर लिया, एम बी एम कुछ भी रिप्लेस करके फॉर्म कर लिया, तो अगर हम मान लेते हैं सॉल्यूट होगा उसका मोलर मास हमें फाइंड करना होगा, क्या होगा फॉर्मूला यूज करेंगे, के वी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डेल टी वी। ओके, तो इस तरीके से हम चेंज एलिवेशन पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो आप फिर से इस क्वेश्चन को ले लीजिए, अब हम इस वेस्ट को न्यूमेरिकल करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो उससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट और चेक कर लें कि यहाँ क्या क्या टर्म है, वेयर डब्ल्यू बी एंड डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली एंड के वी इज यूनिट ऑफ के पर मोलरिटी और केल्विन केजी पर मोल। ये जो माइनस वन है ये इनवर्स का साइन है, तो मोल पर मोल हो जाएगा। ओके, फॉर वाटर के लिए के वी के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल होते हैं। ठीक है, अगर ये वैल्यू दी गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसे कंसीडर माइंड में रखिएगा। और ये जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये हम दो मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंस बर्जेस मेथड एंड पोलिट्रोल मेथड। ये मेथड हमें यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें बस इनके नाम को कंसीडर करना है। ओके, तो इस तरीके से आप इन्हें देख लीजिए, अब इनमें बेस्ट हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जिससे फाइंड आउट क्लियर होता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 एमएम मरकरी इज 99.63 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वेयर इज 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो सबसे पहले हम ये कंसीडर कर लेंगे कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा का पार्ट है। सबसे पहले जो अमाउंट कम होता है 750 ग्राम, ठीक है, तो ये बोल रहा है सबसे पहले ये दो चीज हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि सॉल्वेंट सॉल्वेंट, तो मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये जब भी होगा तो ये हमारा सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, यानी 500 ग्राम इस तरह लिखेंगे हम। ठीक
ठीक है, उसके बाद कर्मच एलिवेशन हम निकालेंगे और के भी वैल्यू दी हुई है, हम अपने फॉर्मूला में सेट करके सारे वैल्यू फाइंड कर देंगे। ओके, देखिए हमने यहाँ सॉल्व किया है, आप से कंसिडर कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं एलिवेशन बॉलिंग पॉइंट यानी एलिवेशन कितना होगा, देखो वो जो डिग्री सेंटीग्रेड हम जब भी टेम्परेचर कंसिडर करते हैं 273 को डिग्री सेंटीग्रेड में ऐड कर देते हैं जिससे वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर बन जाता है। तो 100 प्लस 273 इस तरीके से ये बन गया माइनस 99.63 प्लस 273। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0.37 आता है। यही हमारे क्या है डेल टी वी, सबसे पहले ये कैलकुलेट करें क्योंकि यही टेम्परेचर ही तो बेस कर रहा है। और मास ऑफ वाटर यानी कि जो सॉल्वेंट है सॉल्वेंट का मास कितना गिवन है 500 ग्राम। ओके, जब हम सुक्रोज की बात आ रही है तो सुक्रोज का मोलर मास हम इस तरीके से निकाल लेते हैं 342 ग्राम पर एम एल। ओके, और के वी ट्वेल्व दी हुई है, जब हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं तो हमें डब्ल्यू टू फॉर्म करना, डब्ल्यू टू यानी कि वेट ऑफ सॉल्ट फॉर्म करना, वेट ऑफ सॉल्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल टी वी इंटू एम टू इंटू डब्ल्यू वन अपॉन के वी इंटू 1000। जब हम फॉर्मूला पुट करते हैं सारे वैल्यू कट के हम इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि 6270 अपॉन 520। ओके, जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सारे वैल्यू कट के आप चाहे तो इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी तो जो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1:1 × 6-7 ग्राम ऑफ सुक्रोज टू बी एडेड, यानी इतने ग्राम सुक्रोज को इसमें ऐड किया होगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से ये मेडिकल यहाँ खत्म होते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू वेरी मच।